इस वीडियो में हम देखेंगे नोएडा एक्सटेंशन का सबसे सस्ता माइवन कंस्ट्रक्शन पे बेस जबरदस्त 3 BHK अपार्टमेंट। सोसाइटी हमारी नोएडा एक्सटेंशन की गौर 14th एवेन्यू हो जाती है। अपने अपार्टमेंट के टावर की बात करें, यहाँ पे स्विमिंग पूल बन रहा है, इसके जस्ट बगल में वो अपना न्यूली कंस्ट्रक्टेड टावर आ जाता है। ये वाला टावर और ये दोनों टावर सेम साइज, सेम लेआउट, सेम कॉन्फ़िगरेशन के हैं। इन दोनों टावर का पोजीशन दे दिया गया है, काफी लोग शिफ्ट भी हो चुके हैं और जो हमारा टावर है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और इसका पोजीशन जल्द मिलने वाला है। फटाफट एक्सप्लोर करते हैं। सो दैट्स अवर अपार्टमेंट टावर, रेडी टू पोजीशन है। सारा काम टावर का हो चुका है। इस टावर के अंदर 28 फ्लोर हो जाता है। हमारे टावर का कुछ टाइम में पोजीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर सोसाइटी में बस ये टावर बच जाएगा। और हाँ, अपने टावर से एंट्री एग्जिट गेट की डिस्टेंस की बात करूं तो अब टावर से जैसे ही निकलेंगे वहां पे हमारा एंट्री एग्जिट गेट आ जाता है जो जल्द बन के रेडी हो जाएगा। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं टावर के कंडीशन की। तो सबसे पहले इस टावर की लॉबी देख लेते हैं। तो हमारे इस टावर के अंदर लिफ्ट सारे ऑपरेशनल हो चुके हैं और टावर की मेन एंट्रेंस लॉबी भी देख लीजिए, पूरा रेडी हो चुका है। 24/7 सिक्योरिटी का प्रोविजन मिल जाता है। ऑलराइट, तो अपने टावर की एंट्रेंस लॉबी पूरा रेडी हो चुका है। फाइनली चलते हैं अपने अपार्टमेंट पे। तो फिलहाल हम लिफ्ट में आ चुके हैं। नंबर ऑफ फ्लोर की बात करें तो 28 हो जाता है और हमारे अपार्टमेंट के फ्लोर की बात करें तो वो भी 28th हो जाता है। ऑलराइट, हम अपने फ्लोर पे आ चुके हैं। फटाफट कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। 1, 2, 3 लिफ्ट हो जाता है पर फ्लोर और ये तीनों लिफ्ट फुली ऑपरेशनल हो चुके हैं। हमारे इस टावर का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब फटाफट फ्लोर की कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। 4 अपार्टमेंट उस साइड हो जाता है और हमारा भी आज का अपार्टमेंट उस साइड आ जाता है। लेट्स चेक इट आउट। सो दैट्स अवर अपार्टमेंट। इट्स वन ऑफ द चीपेस्ट 3 BHK अपार्टमेंट यू विल एवर गेट इन नोएडा एक्सटेंशन जो माइवन कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड हो। अपार्टमेंट आपको सेमी फर्निश्ड कंडीशन में हैंड ओवर किया जाएगा एंड डोंट मिस द व्यू फ्रॉम द अपार्टमेंट। लेट्स चेक इट आउट। तो अपार्टमेंट के एंट्रेंस पे आपको बढ़िया वुडन गेट मिलेगा और हाँ, अपार्टमेंट के साइज की बात करें 1175 स्क्वायर फीट हो जाता है, मतलब 1175 स्क्वायर फीट एंड दैट इज लिविंग एरिया ऑफ दिस अपार्टमेंट। इसका डायमेंशन 15x10 का हो जाता है। लिविंग एरिया में वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए यहाँ पे एक बड़ा सा विंडो का प्रोविजन मिल जाता है। तो ये हमारे अपार्टमेंट का लिविंग एरिया हो जाता है। चलते हैं अपार्टमेंट के अगले सेक्शन की तरफ। एक बार अपार्टमेंट की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। ये अपना फर्स्ट रूम, वो अपना सेकंड रूम, वो अपना थर्ड रूम हो जाता है। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट रूम, इस रूम का डायमेंशन ऑलमोस्ट 10.5x10 का हो जाता है। रूम में वहां एक विंडो का प्रोविजन मिल जाता है और साथ में ये बालकनी मिल जाती है जिसे आप यूज कर सकते हैं गमले लगाने के लिए या फिर विंडो एसी का यूनिट भी लगा सकते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, चलते हैं अपने अपार्टमेंट के दूसरे सेक्शन की तरफ। यहाँ पे अपार्टमेंट का एक रनिंग लॉबी एरिया आ जाता है और इस साइड हमारे अपार्टमेंट का कॉमन वॉशरूम आ जाता है। डायमेंशन इसका 9x4.5 का हो जाता है और ये वॉशरूम हमारा कॉमन हो जाता है हमारे सेकंड रूम से भी। जो सामने आप गेट देख रहे हैं ये खुलता है हमारे दूसरे बेडरूम की तरफ। ऑलराइट, तो फटाफट एक्सप्लोर करते हैं अपने अपार्टमेंट के सेकंड बेडरूम को। डायमेंशन अगेन 10.5x10 का हो जाता है ऑलमोस्ट। वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए वहां एक बड़ा सा विंडो मिल जाता है और ये विंडो ओपन होता है हमारे अपार्टमेंट की मेन बालकनी की तरफ। एंड बिलीव मी, बालकनी तो एकदम जबरदस्त होने वाली है। हमारे सेकंड बेडरूम के साथ अटैच हमारा कॉमन वॉशरूम भी आ जाता है। एक गेट अपने सेकंड बेडरूम में खुलता है, ये अपने लिविंग एरिया की तरफ खुलता है। अब फाइनली चलते हैं अपने अपार्टमेंट के लास्ट यानी कि हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। डायमेंशन इसका 10x11 का हो जाता है। हमारे मास्टर बेडरूम में एक वार्डरोब स्पेस मिल जाता है और इस साइड एक अटैच बड़ा सा वॉशरूम मिल जाता है। इस वॉशरूम का डायमेंशन 7x4 का हो जाता है। वॉशरूम में वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए यहाँ पे एक विंडो का प्रोविजन मिल जाता है। हमारे इस मास्टर बेडरूम के साथ अटैच मिल जाता है आपको एक मैसिव सी बालकनी। ये बालकनी ऑलमोस्ट 2 स्टडी रूम जितना बड़ा हो जाता है। इवन यू कैन कन्वर्ट इट एंड मॉडिफाई दिस बालकनी और आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आइए अब अपार्टमेंट से प्रॉपर व्यू देख लेते हैं। सामने टावर ओ बन रहा है, वो भी माइवन कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड और इस साइड हमारा टावर पी और क्यू आ जाता है। ये दोनों टावर भी माइवन कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है, टोटली रेडी टू मूव इन हो चुके हैं और काफी सारी फैमिली शिफ्ट भी हो चुकी है। ये टावर्स भी 3 BHK अपार्टमेंट्स के हो जाते हैं। इन दोनों टावर्स के अपार्टमेंट का साइज और लेआउट हमारे इस टावर के अपार्टमेंट के साइज और लेआउट से सेम हो जाता है। और फटाफट अपार्टमेंट से व्यू की बात कर लेते हैं। तो सामने जो आप उधर देख रहे हैं वो अपनी सोसाइटी का क्लब हाउस हो जाता है। टोटली रेडी टू मूव इन हो चुका है, फुली ऑपरेशनल क्लब हाउस है। क्लब हाउस के सामने अपना अंडर कंस्ट्रक्शन स्विमिंग पूल आ जाता है। एक बार फटाफट सोसाइटी के ओवरऑल लैंडस्केप और एमिनिटीज पर नजर मार लीजिए।
ऑलराइट, तो ये अपनी सोसाइटी का एमिनिटीज और लैंडस्केप हो जाता है। नीचे की साइड जो आप खाली एरिया देख रही है पूरा ग्रीन एरिया होगा। हमारे पीक्यू टावर के सामने भी एरिया डेवलप किया जा रहा है, इसको भी डेवलप किया जाएगा। तो ये हमारी एमिनिटीज, नीचे का व्यू और आसपास की चीजें हो जाती हैं। और हमारे अपार्टमेंट के सामने की व्यू की बात करें तो आपको क्रिस्टल क्लियर व्यू मिलने वाला है। अच्छा, तो अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने अपने अपार्टमेंट का एक सेक्शन छोड़ दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। हमारे इस 3 बेडरूम अपार्टमेंट का किचन एरिया 7x8 का इसका डायमेंशन हो जाता है। इस किचन में आपको पैरेलल प्लेटफॉर्म मिलेगा और हमारे इस किचन के साथ आपको एक यूटिलिटी बालकनी भी मिल जाती है और इस बालकनी का स्पेस भी बढ़िया मिल जाता है। अगर आप सेम साइज सेम लेआउट का अपार्टमेंट सामने के टावर में लेने जाएंगे उसमें 52 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है और इवन अपने इस टावर के अंदर भी 50 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है। हमारे इस अपार्टमेंट का प्राइस बताने से पहले आपको इस टावर का एक प्लस पॉइंट और दिखा देता हूँ। सोसाइटी के अंदर टोटल 3 एंट्री एग्जिट गेट हो जाते हैं, दूसरा एंट्री एग्जिट गेट यहीं पे मिल जाता है। तो आप अपने अपार्टमेंट से निकलते हैं, बेसमेंट में जाते हैं, कार पिक करते हैं और यहीं से आप एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। काम एकदम फास्ट पेस पे है, जल्द अपना सेकंड गेट ऑपरेशनल हो जाएगा। गेट से निकलते ही 60 मीटर रोड से कनेक्ट हो जाएंगे जो हमें NS24 और 4 मूर्ति से कनेक्ट करता है और सामने हमारी सोसाइटी का हाई स्ट्रीट कमर्शियल मार्केट आ जाता है। अपार्टमेंट की डिमांड की बात करें तो ये ऑल इंक्लूसिव होने वाला है, एक्स्ट्रा में बस आपको रजिस्ट्री करवानी होगी। डिमांड फॉर दिस 3 बेडरूम अपार्टमेंट इज जस्ट 47 लाख। अगर इंटरेस्टेड है तो फटाफट इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं लोकेशन पे या फिर नए डील के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।